नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बिहार की 5 बड़ी खबरों में आज सबसे बड़ी खबर है बिहार के दरभंगा में नए एम्स को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। 1264 करोड़ की लागत से इस एम्स का निर्माण अगले 48 महीनों में किया जाएगा। एम्स की मांग काफ़ी लंबे अरसे से इस इलाके से की जा रही थी और आज मोदी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। यही नहीं, आज प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार बिहार को एक बड़ी सौगात दी है चुनावों के ऐलान के पहले। आज करीब 541 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें पटना में 152 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन शामिल है। तो ये थी आज बिहार की पहली बड़ी खबर। आज की दूसरी बड़ी खबर RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद को लेकर है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता हैं और इन दिनों रांची रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। अपनी जमानत को लेकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की हुई है, जिसमें जमानत याचिका पे अब अगले 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। लालू के वकील ने दावा किया था कि अगले महीने लालू प्रसाद यादव को बेल हो जाएगी, लेकिन आज इस मामले को लेकर CBI ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है। CBI ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अभी किसी भी मामले में आधी सजा पूरी सजा नहीं पूरा कर पाए हैं और ऐसी स्थिति में CRPC की धारा 427 के तहत उन्हें बेल नहीं दी जा सकती है। बिहार की तीसरी बड़ी खबर में हम बात करते हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर। अभी भी चिराग पासवान की नाराज़गी खत्म नहीं हुई है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि बिहार में लोगों की नीतीश सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी है और इसका खामियाजा चुनाव में NDO को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि चिराग पासवान का यह पत्र सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि इस पत्र में चिराग पासवान ने सारी बातें साफ तौर पर लिखी हैं और यह पत्र प्रधानमंत्री को भेजा है। पटना की सड़कों पर लगे RJD का नया पोस्टर इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि इस पोस्टर पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिखाई दे रहे हैं, यहां तक कि इसमें RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तस्वीर भी गायब है। दरअसल इस पोस्टर में कई स्लोगन लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय, और एक और स्लोगन दिया गया है नई सोच नया बिहार युवा सरकार अब की बार कही गई है। ये पोस्टर इन दिनों सिर्फ पटना में नहीं, पटना के अलावा कई जगहों पर लगाए गए हैं, लेकिन इसमें RJD के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरों गायब होने के बाद इसके अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह की लिखी एक चिट्ठी को लेकर सियासत काफ़ी गर्म थी और ये काफ़ी सुर्खियों में भी रही। अब जबकि रघुवंश प्रसाद सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बावजूद उनके इस चिट्ठी को लेकर सियासत गर्म है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की तरफ से एक पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी और उनकी मौत को लेकर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर हमला बोला गया है। तो ये थी बिहार की आज की 5 बड़ी खबरें। बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़24 बिहार झारखंड। आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।